वोट किसी को भी दो, यहाँ तो फूल खिलेगा, जो ज्ञान कहीं ना मिले वो परदेसी वाइफ पे मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेसी वाइबर। मैं हूं आपका दोस्त हाशिम उमर। इंडिया से भाई का वीजा लगा है तो सीधा इनसे इंटरव्यू ही स्टार्ट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते भाईजान, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? जी सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, सब कुछ आपको। ठीक है, नमस्ते कह लेते हैं हम। ठीक अरे सब कुछ लो। आज तो खुश है आप, सलाम वालेकुम भी हो गया, नमस्ते भी हो गया और सत श्री अकाल भी हो गया। सब हाँ जी, हाँ जी। अच्छा चलो, ये बताओ कि पहले तो अपना इंट्रोडक्शन करवा दो, आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं आप और क्या करते हैं, ये बताओ। मेरा नाम दीपांशु, मैं हिसार हरियाणा से, मोबाइल मेरा काम है मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज का। अच्छा, तो मेरे पास पहले जब मैंने सोचा था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, जैसे जीएसटी नंबर वगैरह कुछ भी नहीं था, कुछ भी मतलब काम था पहले लेकिन इन पेपर कुछ भी नहीं था। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और मैं एक बात और बताऊं, मैं कम से कम यहाँ पे हिसार हरियाणा पंजाब में कम से कम 100 एजेंटों के पास होके आ गया, 100 एजेंटों के पास। ठीक है, तो उन्होंने वही चक्कर है, कोई कह रहा है 22 लाख, कोई कह रहा है 25 लाख, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ, सबके अलग अलग बातें। इसका और मतलब लास्ट में आके, है और परदेसी वाइब ने 25 लाख बचा दिया आपका। अरे भैया 25 लाख नहीं, मैं 40 लाख कह रहे हैं, 40 लाख में वो भी एग्री हो गया था। मैंने चलो कोई बात नहीं, लग जाएंगे लग जाएंगे। अच्छा उसके अच्छा बाद क्या बढ़िया। हुआ, मैंने सोचा फिर एक बार थोड़ा सा खुद रिस्क लेके देख लेते हैं, हाँ सही है। आपके वीडियो अच्छा देख के लगा दिया। वीडियो लंबी हो जाएगी, मुझे ये बताओ कितने दिन के अंदर पासपोर्ट रिक्वेस्ट आई है, यानी कि जब बायोमेट्रिक्स हो गए उसके बाद कितना टाइम लगा है कि पासपोर्ट रिक्वेस्ट आई है आपको? मेरा यूँ लगा लो, मैंने फाइल लगाई थी मेरी 6 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर, और ठीक 10 अक्टूबर को मेरे हुए थे बायोमेट्रिक दिल्ली। है, 10 अक्टूबर उसके बायोमेट्रिक्स, बाद मेरी पासपोर्ट रिक्वेस्ट आई 24 तारीख को, अभी जो परसों 24 तारीख गई है, चौबीस 24 नवंबर नवंबर को तकरीबन आप देख लें, मतलब 2 महीने से पहले पहले आप, ना, हाँ 1.5 मंथ में आ गई मेरी। 1.5 मंथ में आपकी आ गई। अच्छा ये बताओ बैंक स्टेटमेंट कितनी शो की थी, कितना था फाइनल बैलेंस? सही बताऊं तो मेरी बैंक स्टेटमेंट का कोई चक्कर ही नहीं था उसमें, तो चक्कर बहुत, इतने चक्कर थे। मेरे जो मेरा सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट मेरे पास नहीं है, जीएसटी नंबर का अभी भी नहीं है ना, मैंने अप्लाई किया। अच्छा, सेविंग अकाउंट में थे मेरे 5,16,000 रुपये एग्जैक्ट, 5,16,000 इंडियन रुपीज। इंडियन रुपीज। और उसके बाद 1.5 लाख की एफडी पड़ी थी मेरी, 1.5 लाख की क्या पड़ी थी? एफडी फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट। अच्छा और ये बताओ ट्रैवल हिस्ट्री है? जीरो। कुछ भी नहीं, लकी है यार फिर तो। अच्छा जॉब कौन सी है ये बता दें, जॉब कौन सी करते हैं मेरा इंडिया? मोबाइल नहीं, मेरी जॉब नहीं है, मेरा मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस है। अच्छा, और कितनी उसमें महीने की का कितनी उसमें आपकी अर्निंग्स हैं ये बता दें। बिजनेस में सर कुछ नहीं होता है, ऐसा यूं लगा लो मेरी आईटीआर जाती है जैसे 4,80,000 रुपये की ईयरली। अच्छा आईटीआर वगैरह, सही है सही है। इसके अलावा आपकी इनविटेशन था या होटल बुकिंग थी? होटल बुकिंग थी मेरी। होटल बुकिंग। और जो सोर्स ऑफ बैंक बैलेंस था, जो आपके अकाउंट में आपने पैसे बताए हैं, वो सारे आपने, ये जो आपका बिजनेस है मोबाइल रिपेयरिंग का बता रहे हैं, हाँ मोबाइल रिपेयरिंग का तो वो सारे का सारा उधर से ही आप पैसे आ गए, सब उधर कोई प्रॉपर्टी शो नहीं की, कोई गाड़ी वगैरह शो नहीं की? से, मैंने बाइक भी शो नहीं करी। अच्छा, सही है फिर तो, सही है, अल्हम्दुलिल्लाह यार, बड़ा मुझे बड़ी खुशी हुई है। तो अब ये बताओ कब आ रहे हो फिर इधर कनाडा? अभी तो चांस है नहीं, नेक्स्ट ईयर देखेंगे, बढ़िया प्लान बना के आपको पहले कांटेक्ट करके आऊंगा। हाँ मेरे से रابطہ कर लेना, यू आर ऑलवेज हाँ वेलकम, आपको एयरपोर्ट से रिसीव करेंगे, जितना हो सकेगा जनाब साहब आपकी हेल्प करेंगे, बड़ी खुशी और हुई बढ़िया से बढ़िया आपको, आपके लिए पार्टी भी करेंगे, मेरे सारे एजेंट के बच्चे वो आप पे लगाएंगे। है। और यार एजेंटों को ना दूर ही रखो भाई, वो मेरे से बात इसलिए का नहीं मैं तो सही करते। बताऊं, हाँ जितने एजेंटों को गया मेरा, तो सही बताऊं मैं डेस्परेट हो गया था बिल्कुल, नहीं लगेगी फाइल, नहीं लगेगी, क्योंकि मेरी ना तो स्टडी थी, ठीक स्टडी है, मेरी सही कुछ भी नहीं है, +2 पास है, उसमें भी below 50% मार्क्स है मेरे। हाँ सही। कुछ लोग ये भी सोच रहे होते हैं यार, पता नहीं वो एजुकेशन भी सोच रहे होते हैं यार, हमारी ये डिग्री लगानी है, हमने ग्रेजुएशन, डिग्री का चक्कर ही नहीं टूरिस्ट वीजा में। कुछ भी नहीं लगाया मैंने, कुछ हाँ भी नहीं सही लगाया। है,
छोटा सा इंटरव्यू हुआ है लेकिन मजा आ गया आपके साथ, खुशी हुई है। अरे वीजा लग इंटरव्यू तो इतना सा है लेकिन अभी इसमें बहुत सारी वो है फीलिंग्स है। हाँ, बता, अगर कोई बता बात करनी है तो बता दो इसमें, नहीं चैनल नहीं में, कोई चक्कर चैनल के नहीं, बारे में कुछ बोल। ऐसा कोई चक्कर नहीं है, बहुत सारी अभी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी मिलके करेंगे आप। हाँ, क्योंकि यार वो इंटरव्यू में ना समटाइम्स बंदा भूल जाता है कौन सी बात करनी है कौन सी नहीं करनी। हाँ हाँ ये तो है ही। हाँ चलो ठीक है यार, जो लोग मुझे देख रहे हैं चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लो, और आपको यहां से सब कुछ मिलेगा, कनाडा का टूरिस्ट वीजा। ये देखें भाई के पास डिग्री भी नहीं है, भाई के अकाउंट में मैं बैलेंस भी नहीं है। छोटी सी आपके लिए एक शायरी सुनाता हूँ, बढ़िया सी। जी जी सुनाए सुनाए। हाँ पॉलिटिक्स में थोड़ा ज्यादा मैं वो रखता हूँ, इंटरेस्ट रखता हूँ, यहाँ हाँ पे इंडिया की पॉलिटिक्स से रिलेटेड करके सुनाता हूँ। हम्म। वोट किसी को भी दो यहाँ तो फूल खिलेगा, वोट किसी को भी दो यहाँ तो फूल खिलेगा, जो ज्ञान कहीं ना मिले वो परदेसी वाइफ पे मिलेगा। छा गए यार, छा गए, शुक्रिया यार, शुक्रिया बहुत बहुत यार, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मैं बड़ा खुश हुआ हूँ आज, मुझे मजा आ गया यार आपके साथ इंटरव्यू, क्योंकि ये इंटरव्यू नहीं हुआ यार, ये कैजुअल डिस्कशन हुई है फॉर्मेलिटी बस आपके साथ। है तो मिलके करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, बढ़िया। हाँ जब आओगे तो फिर इंशाल्लाह और भी शुगर लगेगा, मजा आएगा यार आपके साथ। ठीक है, ठीक ओके सर, है जी, चैनल सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू यार, थैंक यू।